सारी बातें तो हो चुकी है, ढेरों सारी बातें हमारे यहाँ पे हो गई है, मेरी पार्ट भी, पर जानना चाहूँगी कि ये जो बुक का कि ये बुक लिखना है, ये सबसे पहले थॉट कहाँ से आया आपके दिमाग में, और फाइनली आज जैसा कि ढेरों सारी मेहनत के बाद आपने बात की कि फाइनली आज ये अवसर आने थॉट कहाँ से आया कि बुक लिखना है। एक्चुअली ये एक आर्टिकल था जो मैंने लिखा था, क्योंकि मैं बहुत सारे शूट्स पे बहुत सारे न्यू कमर्स, बहुत सारे यंग एक्टर्स आते हैं और उनकी विविध तरह की जो उनकी तकलीफ़ें होती हैं, कभी अतरंगा सा मेकअप करके आ जाएंगे, कभी ऑडिशन पे जाएंगे पर उनको रोल नहीं मिलेगा, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने आप को गलत तरीके से देख रहे हैं एज एन एक्टर, सही ब्रैकेट में नहीं अपने आप को डाल पा रहे हैं, कई लोगों को लगता है कास्टिंग काउच, जो कि एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि अगर उस डायरेक्टर ने मुझे ऐसा बोला या इस सो वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं इस बिज़नेस के बारे में जो कि लोग नहीं समझते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं समझती हूँ, पर इस बुक के लिए मैंने बहुत सारे सीनियर और टैलेंटेड एक्टर्स से बात की, जैसे कि बमन ईरानी, शबाना आज़मी, अनिल कपूर, बहुत सारे डायरेक्टर्स से बात की जैसे इम्तियाज़, अनुराग कश्यप, प्रकाश झा, राजू हिरानी, यश चोपड़ा, और उन सब ने मुझे बहुत विस्तार में बताया कि उनको किस तरह से एक एक्टर चाहिए, क्या क्या स्कल्पटिंग चाहिए, क्या क्या वो ढूंढते हैं एक एक्टर में, तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें एक्चुअली बाहर कभी आती नहीं हैं, तो मुझे लगा कि ये एक बुक का सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि इंडस्ट्री में कई सारे लोग जो आते हैं, उन्हें फिल्में भी मिलती हैं, मतलब फिल्म तीन चार पांच फिल्में करने के बाद वो फिर उसके बाद बीच में उन्हें फिल्में नहीं मिलती है तो डिप्रेस का शिकार होकर वो सुसाइड कर लेते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने कई सारे ऐसे किस्से देखे, तो ये सारी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश की हमने अपने बुक में या दिखाएंगे। बुक में मैंने इस बारे में लिखा है कि एक चैप्टर है जो कि फैमिली फीडबैक और फ्रेंड्स के ऊपर है, आप एक्टर बन गए हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दो तीन फिल्में भी कर ली, चलो एक हिट भी हो गई, पर हर एक्टर के लाइफ में एक लो फेज आता है, आप ज़िंदगी से अगर हट जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, अपनी फैमिली से जुदा हो जाएंगे, अगर आपको बॉम्बे आके ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली बहुत छोटे शहर से है, सिंपल हिंदी में बात करते हैं, मम्मी नायलॉन की साड़ी पहनती हैं, और यहाँ पे आपको लगता है चकाचौंध की ज़िंदगी में वो फैमिली फ़िट नहीं आएगी, तो आप अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते हैं, अपने घर जो आपके स्कूल के कॉलेज के दोस्त हैं उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, और फिर बम्बई आके आपको एक अकेलापन लगता है, अपने आप से आप अलग हो जाते हैं, और वो सबसे ख़तरनाक किस्म की खाई है, क्योंकि अगर उसमें आप गिर गए फिर आपको हाथ पकड़ के उठाने वाले कम लोग मिलेंगे, तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और जो पुराने अच्छे रिश्ते हैं, जो आपके स्टार या एक्टर बनने से पहले के रिश्ते हैं, उन्हें प्लीज़ कायम रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये टॉपिक से हटके अगर मैं बात करूँ तो कुछ रहस्य मूवी कह रही हैं आप, जी जी 2014 में मराठी मूवी भी उसके बाद आने वाली है, मराठी मूवी का रीमेक है, काक स्पर्श का रीमेक है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहिए जी। रहस्य तो रहस्य में ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें वो थोड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई है वो फिल्म, और मेरे ख़्याल से डायरेक्टर ही बेहतर बताएंगे आपको उस फिल्म के बारे में। दूसरी फिल्म जो मैं कर रही हूँ फिलहाल, एक शूटिंग में छोटा सा ब्रेक था, चिपलून में करके आ रहे हैं, 1930 की कहानी बताई है, 1930 के आसपास की, तो बहुत ही अलग रूप और वेशभूषा वगैरह वगैरह, और महेश मांजरेकर की बहुत ही हिट फिल्म, मराठी हिट फिल्म काक स्पर्श, और उसमें अरविंद स्वामी और मैं हैं, और दो बहुत ही टैलेंटेड मराठी एक्ट्रेसेस हैं जिनको मराठी देखने वाले लोग जानते होंगे पर हिंदी भाषी पहली बार देखेंगे, और बहुत ही अनयूजुअल और इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं एक्टर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, फ़ायदे बहुत होते हैं कि एक बार आपने अपनी एक्टिंग कर दी तो फिल्म का क्या अंजाम होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स, बहुत सारी चेन्स होती हैं, कड़ियाँ होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं।